हरिओम, मैं अनामिका वीरा रंधावा मीरा रोड उपासना केंद्र में हूँ और मैं सन 2002 से बापू परिवार में हूँ। मुझे एक बेटी और एक बेटा है और आज जो मैं अनुभव आपको सुनाने जा रही हूँ यह मेरी बेटी शीना से संबंधित है। यह अनुभव 2010 का है। 2010 में मेरी बेटी शीना BMS की पढ़ाई कर रही थी, SY BMS में पढ़ रही थी। एक दिन हुआ यूँ कि उसके कॉलेज में उसकी जो मिस थी उन्होंने कहा, नेक्स्ट डे कुछ एग्ज़ाम होने वाले थी, इंटरनल एग्ज़ाम थी कॉलेज की, उन्होंने कहा कि सभी को 16 डिजिट वाला कैलकुलेटर लाना ज़रूरी है और कैलकुलेटर होने के बाद ही वो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे पाएगा। इसने घर आके कैलकुलेटर खरीद के लाई और शाम को घर में कैलकुलेटर देख रही थी, देखते देखते उसने वो टेबल पे रख दिया और सोने चली गई। दूसरे दिन हमेशा की तरह उठ के वो कॉलेज गई। कॉलेज में जो सेकंड लेक्चर था उस सेकंड लेक्चर में उसकी एग्ज़ाम होने वाली थी। फर्स्ट लेक्चर होने के बाद उसकी जो फ्रेंड थी उसने उससे सहज ही पूछा, शीना एग्ज़ाम है, कैलकुलेटर लाई हो ना? उसने कहा हाँ हाँ लाई हूँ, है मेरे पास। और जब वो निकालने गई तो देखा बैग में कैलकुलेटर नहीं है। एक मिनट के लिए उसको याद आया, अरे मैं रात को देख रही थी और मैंने तो टेबल पे ही छोड़ दिया, अब क्या करें, अब तो टाइम भी नहीं है क्योंकि एक लेक्चर के बाद दूसरे लेक्चर के भी सिर्फ 5 मिनट का टाइम होता है और मिस आ जाएगी और आज एग्ज़ाम है। तो उसको एकदम ऐसे लगा कि अरे मैंने क्यों ध्यान से नहीं रखा, मैं भूल गई, मैंने पढ़ाई भी की है और मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी आज। तभी उसको कुछ सूझा नहीं और उसने कहा, बापू मैं कैलकुलेटर तो लाई थी पर मैं भूल गई घर पे, बापू मैं क्या करूँ अभी। बस मन ही मन उसने इतना कहा था, फिर क्या था, जो करना था बापू ने किया। 2 मिनट के अंदर ही उनके स्कूल के जो प्यून थे वो उनके क्लासरूम में आए और कहते हैं कि आज जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है वो कॉलेज का एक बड़ा सा हॉल है, उस हॉल में होने वाली है, क्योंकि दो डिवीज़न की मिलके एग्ज़ाम होने वाली है तो आपको मिस ने कहा है उस हॉल में शिफ्ट होने के लिए। तो सभी स्टूडेंट जाने लगे। इसकी फ्रेंड कहती है, शीना तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं, अब तुम क्या करोगी? शीना ने कहा, देखते हैं, शायद किसी के पास दो होंगे तो मुझे मिल जाएगा। इस उम्मीद से वो उस नए क्लासरूम तक पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद वो सब बैठे, बैठने के बाद जैसे ही वो बेंच पे बैठी और बेंच पे बैठने के बाद जैसे ही उसने डेस्क में अपना पर्स रखना चाहा, उसने देखा नीचे कुछ है। वो हाथ लगा के देखती कि बैग जा क्यों नहीं रहा है अंदर। उसने देखा वहाँ पे वही बड़े साइज का एक कैलकुलेटर रखा हुआ था। अभी श्रद्धावान ही समझ सकते कि कैलकुलेटर किसने रखा था वहाँ पे। बस वो हाथ में कैलकुलेटर जैसे लेती है, मिस क्लास में एंटर हो जाती है। उसे समय ही नहीं मिल पाता कि मैं किसको पूछूं कैलकुलेटर किसका है। वो समझ गई मैंने बापू को आवाज़ लगाई थी, बापू ने मुझे कैलकुलेटर दे दिया। बस मिस आई, उसकी एग्ज़ाम हुई, उसने अच्छे से अपने पेपर लिखे हैं और जैसे ही पेपर होने के बाद उसने आंसर शीट दे दी टीचर को। लेक्चर ओवर होते ही उसने सोचा, चलो बापू आपने मुझे कैलकुलेटर तो दे दिया, मेरा काम हो गया, हरिओम, अब मैं जाके ऑफिस में जमा कर देती हूँ ताकि जिसका है उसे मिल जाएगा। अब वो सोच रही थी जाने के लिए, इतने में एक बच्ची, एक स्टूडेंट भागते भागते क्लासरूम में आती है और कहती है उसके बेंच के पास खड़े होकर कहती है, यहाँ पे मैं अपना कैलकुलेटर भूल गई थी, क्या किसी को मिला है क्या? शीना कहती, हाँ हाँ मेरे पास है, मुझे मिला है और मैं अभी ऑफिस में ही देने जा रही थी। वो उसको थैंक यू कहने लगी, अच्छा अच्छा थैंक यू। वो कहती है, थैंक यू तुम्हें नहीं, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। मतलब देखिए, एक चीज़ बहुत छोटी सी है, हमें लगता है कैलकुलेटर, लेकिन उस वक्त वो चीज़ हमारे पास नहीं है तो इसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। और हमें जिस चीज़ की जिस वक्त ज़रूरत है वो कौन दे सकता है? सिर्फ बापू दे सकते। उसने तो सिर्फ एक आवाज़ लगाई कि बापू मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं क्या करूँ? जो चीज़ चाहिए थी उसी वक्त उसके पास में बापू ने उसे उपलब्ध करा के दी। इसी प्रकार पे एक बार उसे स्कूल में, जब वो 8th स्टैंडर्ड में थी, उसका कुछ एक्टिविटी थी और वहाँ पे उसे भेलपूरी और सेवपूरी बनानी थी उसके ग्रुप में।
अब वो फ्राइडे को उनको सामान डिस्ट्रीब्यूट हुआ था कि कौन क्या लाएगा। शीना को कहा गया कि तुम आधा किलो आलू, करीब करीब आधा किलो उबले हुए आलू लेके आना, किसी को पापड़ी, किसी को शेवपुरी, इस तरह से अलग अलग चीज़ें डिवाइड हुई थी। उसी तरह ये किसी कारणवश भूल गई। संडे की रात थी, संडे की रात को 11:30 बजे मुझसे कहती है, मम्मी घर में आलू हैं? मैंने कहा नहीं आलू नहीं है। क्यों, इतने रात को तुम्हें आलू क्यों चाहिए? कहती मम्मी ऐसे सी बात हो गई, स्कूल में कल एक्टिविटी है और उसमें मुझे सेवपुरी बेलपुरी बनानी है, अब आलू नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे? मैंने कहा तुम्हें बताना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? कहती मैं भूल गई, अब मैं क्या करूँ? मैं कहा अब तो कुछ नहीं कर सकते, उस टाइम ऐसा भी नहीं था कि मोबाइल करके किसको पूछ ले। मैंने कहा देखते हैं अभी सुबह क्या होता है, सुबह कहीं से आलू मिलते हैं तो। वो कहती है नहीं मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी कल। मैं कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, तुम्हें स्कूल जाना है, मैं देखती हूँ क्या करते हैं। मैं बापू के फ़ोटो के पास गई जहाँ पे उदी रखी थी, मैंने सिर्फ उदी ली, उदी लगाई, एक 10 की नोट मैंने हाथ में पकड़ी। उस वक्त हम 4th फ्लोर पे रहते थे, वो 10 की नोट लेके मैं बिल्डिंग से नीचे आ गई। सब कहने लगे इतने रात को कहाँ जा रही हो? मैंने कहा देखते हैं, कोशिश तो करते हैं, शायद कोई दुकान खुली हो, कहीं से मुझे आलू मिल जाए। ये सोच के मैं नीचे आई, जो कि नवंबर का महीना था, जल्दी रात हो जाती है, कोई भी दुकान खुली नहीं थी। फिर भी मैं मायूस होकर खड़ी रही, क्या बापू क्या करूँ, मैं कहाँ से आलू लाऊँ अभी? इतने में देखा मुझे पीछे से कोई आवाज़ देता है, बहन जी इतने रात को क्या कर रही हो? मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कहा अनजान इंसान है, मैं क्या बात करूँ इनसे। फिर जैसे वो व्यक्ति मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझसे कहा, बहन जी क्या बात है, कुछ परेशानी है, आप इतने रात को क्यों खड़ी है यहाँ पे? मैंने कहा भैया आपको क्या बताऊँ, मुझे आलू चाहिए, मैं सोच रही थी कोई दुकान खुली है तो मैं आलू ले लूँ। तो बोलते बस इतनी सी बात ना, रुको मैं आपको आलू देता हूँ। मैं कहा आप? कहते हाँ मेरे पास आलू है। मैं कहा आपके पास कहाँ से आए? कहता मैं वहाँ पर भेलपुरी का ठेला लगाता हूँ, आज संडे था, मैंने सोचा कि ज़्यादा कस्टमर आएंगे, मैंने ज़्यादा आलू उबाल लिए, जबकि कस्टमर कम आए और मेरे काफ़ी आलू बचे हुए हैं, तो अब मैं सोच रहा था कि ये आलू का मैं क्या करूँगा, और देखो आप मुझे मिल गए और आपको मैं ये आलू दे देता हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई, देखो क्या टाइम है, क्या टाइम मैनेजमेंट सेटिंग बापू का, मुझे आलू चाहिए। उसी वक्त बापू ने मुझे नीचे भेजा, उसी वक्त सामने से वो ऐसा इंसान मिला कि जिसके पास आलू है। तो मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई, पर वो कहने लगा बहन जी मेरे पास लेकिन उबले हुए आलू है। मुझे तो और खुशी हुई, मैंने कहा सोने पे सुहागा, अरे मुझे तो उबले हुए आलू चाहिए थे। बस समझ में नहीं आता कि कौन सी छोटी सी चीज़ भी हम बापू से मांगते हैं तो बापू किस प्रकार हमें उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने वो आलू मुझे सारे दिए, करीब करीब वो उतने ही आधा किलो आलू थे, वो आलू मैंने लिए, मेरे हाथ में 10 की नोट थी। मैंने उनसे कहा भैया ये रखो। कहते नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप रहने दो। मैंने कहा नहीं 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 आपने मुझे इस वक्त आलू दिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे इस वक्त इसकी सख्त ज़रूरत थी। वो आलू लेके 10 रुपये वहाँ रख के जैसे मैं घर में आई तो मेरे हाथ में थैली देख के घर के सभी अचंभित हुए, बोलते ये क्या? मैंने कहा आलू। बोलते किसने दिया? मैंने कहा बापू। तो सभी को इतनी खुशी हुई और बेटी को सब मैंने बताया तो बोलती बाप रे रात को 12:15 बजे भी बापू ने आलू दिए। मैंने कहा आलू दिए नहीं, आलू उबले हुए दिए। इसी प्रकार हर जगह छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, बापू उस वक्त हमारे साथ होते ही हैं और हमें मदद करते ही हैं। एक साई चरित की वो भी आती है, वो मैं कहना चाहूँगी, प्रयत्न करने माझे काम, यशोदाता मंगल धाम, ऐसा दाचा दृढ़ विश्वास, बेड़ा पार तयाचा। हरिओम श्रीराम अंबदना, बापू मी अंबदना है।